देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे नामांकन में चार दिन में अब तक कुल 27 दावेदारों ने 58 सेठ पर्चा लिया है। सोमवार को पांचवें दिन बसपा उम्मीदवार संदेश यादव ने पर्चा दाखिल किया। बसपा प्रत्याशी संदेश यादव सोमवार को चार सेठ में अपना नामांकन दाखिल किया। वह सोमवार की सुबह खुखुदू से सोनू घाट पहुंचे। इसके बाद वहां से महुआनी होते हुए सीधे सुभाष चौक पहुंचे। यहां पार्टी कार्यालय से अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट के लिए निकले। उनके साथ पूर्व एमएलसी डॉ विजय प्रताप के अलावा प्रस्तावक भी नामांकन में शामिल होंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 11 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चली। सुरक्षा को ले पुलिस बल भारी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल तैनात रही। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.